हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्यूटी ग्वालियर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एम कैफिन के हेयर सीरम के बारे में। तो बात करें हम एम कैफिन की हेयर सीरम की, तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये सीरम आपको मिलेगा। बात करें एम कैफिन की हेयर सीरम की, तो दो टाइप के सीरम्स जो हैं कंपनी ने डिजाइन किए हुए हैं। हेयर सीरम में दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें बात करें हम फर्स्ट वन आता है वो है एम कैफिन नेकेड एंड रॉ कॉफी हेयर सीरम। बात करें हम दूसरे की तो सेकंड आता है इसका एम कैफिन नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो हेयर सीरम, कॉफी एंड कैपेचिनो। दो टाइप के सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको आप बाय कर सकते हैं। बात करें हम इसके रिव्यू की, तो कुछ टाइम से लास्ट वन ईयर से मैं इसको यूज कर रही थी हेयर्स में। मेरे को भी बहुत फ्रिजीनेस की शिकायत है, बहुत ड्राई ओवर ड्राई रहते हैं मेरे भी हेयर्स। तो मैंने और भी ब्रांड्स के सीरम्स जो हैं यूज करके देखे हैं, जिससे मुझे इतना ज्यादा अपने हेयर्स में फर्क नहीं दिखता। बट जब से मैंने इसको एम कैफिन को यूज करना स्टार्ट किया है, एम कैफिन के जो हेयर सीरम का जो रिजल्ट है, सीरियसली गाइज आप इसको यूज करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जब आप इसको आफ्टर वॉश अपने हेयर्स में अप्लाई करते हैं, इन अ वेट हेयर्स और ड्राई हेयर्स, किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं बेसिकली मैं इसको जब भी हेयर वॉश करती हूँ, गीले बालों में इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद रीअप्लाई करती हूँ। इट मीन्स 3-4 दिन में मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं इसको बार बार से अप्लाई करूँ, क्योंकि ये जो हेयर सीरम है ये थोड़ा सा ना ऑयली टेक्स्चर पर है। जिन लोगों के भी बाल बहुत ज्यादा ओवर ड्राई रहते हैं वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। जो आपके हेयर में फ्रिजीनेस है ये उसको दूर करता है, और जिनके भी बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं, जिनको भी शिकायत रहती है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं, तो वो लोग भी इसको बाय कर सकते हैं। बात करें हम इसकी पैकेजिंग की, तो आउटर पैकेजिंग में इसकी आपको दिखा दी थी मैंने कि इस टाइप की कुछ आउटर पैकेजिंग में ये आएगा। बात करें हम इसकी इनर पैकेजिंग की, तो इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आ जाएगी, आप देख सकते हैं। कुछ ये ग्लास बॉटल में आपको मिलेगा। कंपनी ने बॉटल में भी मेंशन किया है एम कैफिन नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो कॉफी हेयर सीरम। ये मेरा पर्सनल बॉटल है जो मैं यूज करती हूँ, इसलिए मैंने आपको लूज पैकेजिंग में दिखाया है कि इसकी इनर पैकेजिंग इस टाइप की आएगी। आप देख सकते हैं ये इतना फिनिश हो गया है। ये मेरा थर्ड बॉटल है इस साल का, 2022 का, जो मैंने यूज करा है। इवन मेरे घर में भी और भी मेंबर्स हैं, वो भी इसको यूज कर रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके लिए भी। बात करें हम अभी की, तो मैंने ना अभी सर्दियों की वजह से ना एंटी डेंड्रफ हेयर सीरम बाय किया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में सबको ड्राइनेस होती है, जिससे हमारे स्किन में हमारे स्कैल्प में डेंड्रफ की शिकायत होने लगती है, तो मैंने एंटी डेंड्रफ बाय किया है। बात करें हम एंटी डेंड्रफ की, तो इसके जो दो सीरम है, एंटी डेंड्रफ एंड एंटी हेयर फॉल, मुझे ना पर्सनली दोनों सीरम्स में ऐसा डिफरेंस, ऐसा ज्यादा डिफरेंस कोई भी समझ में नहीं आया। इसके पहले मैं एंटी हेयर फॉल यूज करती थी, क्योंकि मुझे हेयर फॉल की शिकायत रहती थी। तो हेयर फॉल और एंटी डेंड्रफ दोनों ही सीरम एक जैसे हैं, दोनों में फ्रेग्रेंस का हल्का सा थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज दोनों के सीरम की क्वालिटी में कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। बात करें हम एंटी डेंड्रफ की, तो गाइज ये एंटी डेंड्रफ पे तो वर्क नहीं करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि डेंड्रफ इससे दूर होगा, इससे डेंड्रफ दूर नहीं होगा गाइज, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प रहते हैं विंटर्स में ओवर ड्राई होते हैं, क्योंकि हम गर्म पानी से अपने हेयर्स वॉश करते हैं, तो जिस वजह से हमें ड्राइनेस की शिकायत रहती है। तो ये आपके डेंड्रफ पे तो वर्क बिल्कुल नहीं करने वाला है। बट बात करें हम फ्रिजीनेस की, ड्राइनेस की, तो ड्राइनेस जरूर आपका इससे दूर होगा, बिकॉज मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं इसको पर्सनली बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, और जब भी मैं इसको अप्लाई नहीं करती हूँ वीकली, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उसको अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे जो हेयर्स है ना बहुत ज्यादा ओवर ड्राई हो गए हैं। और जब से मैंने इसको यूज किया है ना, मैं इवन ट्रेवलिंग में भी इसको लेके जाती हूँ, कि जैसे अपन कभी ट्रेवल करते हैं तो कहीं का हमको ऐसा रहता है अदर सिटी का पानी सूट नहीं करता है, तो वहां आप हेयर वॉश करते हैं तो ओवर ड्राई हो जाते हैं आपके हेयर्स। तो मैं उस कंडीशन में भी ना हेयर वॉश करके ना विदाउट कंडीशनर इसको अप्लाई करती हूँ। मतलब मैं कंडीशनिंग करना रेगुलर में पसंद नहीं करती हूँ, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है आपको। मैं इसको हेयर सीरम को जब से यूज कर रही हूँ ना गाइज, मेरा फ्रिजीनेस का जो प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा मेरा हेयर डैमेज होता था, ड्राई रहता था, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करती अब। आप इसको बाय कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड हेयर सीरम। बात करें हम
इसकी तो ये ऑल हेयर्स टाइप्स है। बात करें हम इसकी क्वांटिटी की तो इसकी नेट क्वांटिटी है 50 ml की पैकेजिंग में आपको मिलेगा। बात करें हम इसकी प्राइसिंग की तो इसका प्राइसिंग रहेगा 399 rupees विद द शेल्फ लाइफ ऑफ 2 years। इसकी पैकेजिंग है 2022, इट मीन्स ये एक्सपायर होगा 2024 में। 2 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, कॉफी फ्रेग्रेंस है। जब भी आप इसको बालों में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी सी ना बालों में एक खुशबू भी बरकरार रहती है, जो कि पूरा वीक चलेगी जब तक आप नेक्स्ट हेयर वॉश नहीं कर लेते हैं। तो इट्स अ गुड क्वालिटी। एम कैफिन के प्रोडक्ट्स में ना बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, कॉफी फ्रेग्रेंस है, जो आपको पर्सनली भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये था मेरा पर्सनल रिव्यू जो कि मैंने एम कैफिन का हेयर सीरम का दिया है। हेयर सीरम बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर सीरम। आप इसको एक बार जरूर बाय करके देखिए। आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये आपको अगर आप हमारे स्टोर से लेते हैं, इंडियन ब्यूटी स्टोर से, तो फ्लैट 20% to 25% ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तब भी आपको 15-20% इजिली अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस गाइस अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।